हेलो दोस्तों, 2022 का ओलंपिया बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको टू टाइम मिस्टर ओलंपिया बेगरेमी और डेरेक लंसफर्ड का डबल बाइसेप्स पोज का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया के विनर रह चुके हैं, बेगरेमी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग से और डेरेक लंसफर्ड 212 कैटेगरी से। तो अब डेरेक ने 212 से ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में स्विच कर लिया है और इस बार वो इसी कैटेगरी से ही ओलंपिया में कॉम्पीट करेंगे। तो गाइस, अब चलते हैं इनके कंपैरिजन वीडियो की तरफ। यहाँ पर डबल बाइसेप्स पोज का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप इनके बाइसेप्स पर फोकस कर सकते हो। बेगरेमी के बाइसेप्स कितने यूज्ड और हार्ड दिखाई दे रहे हैं, जबकि डेरेक लंसफर्ड के बाइसेप्स इतने यूज्ड और साइज में भी बेगरेमी से बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। इसमें अगर आप बेगरेमी के बाइसेप्स की पीक देखोगे तो उनकी राउंडेड और ऊपर उठकर पॉप आउट कर रही है, जबकि डेरेक की पीक थोड़ी ब्लॉकी सी लग रही है और सेपरेशन भी गायब है। तो दोस्तों, बाइसेप्स के बाद आप इनके लेट्स पर फोकस कर सकते हो। बेगरेमी के लेट्स डेरेक के कंपैरिजन में इतने इंप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि बेगरेमी के लेट्स इतने बड़े हैं कि शायद ही उनका कोई बॉडी बिल्डर करेगा। इसके बाद अगर आप इनकी वेस्ट पर फोकस करोगे तो डेरेक लंसफर्ड की वेस्ट बेगरेमी को पूरी तरह से बीट कर जाती है। डेरेक की वेस्ट इस पोज में बहुत ही नैरो दिखती है और एक बहुत ही अच्छा एलुजन क्रिएट करती है। अगर आप इन दोनों के पोज को देखोगे तो ये दोनों ही वैक्यूम को हिट कर रहे हैं, पर जब बात आती है इन दोनों के वैक्यूम के कंपैरिजन की तो इसमें आप साफ देख सकते हो कि डेरेक लंसफर्ड ही विनर हैं। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इनकी लोअर बॉडी के बारे में। अगर आप इन दोनों के लेग्स को साइज के हिसाब से देखोगे तो इस पोज में लेग्स का विनर बेगरेमी रहेगा, पर जब बात आएगी कंडीशनिंग की तो डेरेक लंसफर्ड बेगरेमी को पछाड़ देते हैं। यहाँ अगर आप बेगरेमी के क्वार्ट्स मसल पर फोकस करोगे तो ऐसे क्वार्ट्स शायद ही किसी बॉडी बिल्डर के पास होंगे, क्योंकि इनका साइज बहुत ही बड़ा है और ये यूज्ड दिखते हैं। और बेगरेमी एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्हें लेग्स से कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। तो अब बात करते हैं इस पोज के विनर के बारे में। तो इस पोज के विनर ये दोनों ही हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे हम इनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इन दोनों के विनर का तो ओलंपिया के स्टेज पर बैठे ही जजेस फैसला कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही यूज्ड बॉडी बिल्डर हैं और इन दोनों के किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी कमी नहीं है। और ये 2022 में हो रहे ओलंपिया में कंप्लीट कर रहे हैं और इस बार ये अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग के साथ और साइज के साथ डिस्प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन बेटर है, आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।